भारत में तरक्की और निवेशक के लिए कहां कहां नए मौके बन रहे हैं, इस पर मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने अपनी रिसर्च जारी की है। और इस रिसर्च में खास फोकस ऐसी कंपनियों और सेक्टर्स पर है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन जो लगातार अच्छी कमाई भी कर रहे होते हैं। भविष्य में ऐसी कंपनियों के बाहुबली होने की संभावनाएं भी दिखती हैं। हमसे बातचीत में मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने कुछ ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड को साझा किया। पहला जो श्रेणी है उनको मैं रूलर्स बोलता हूँ। ये इंडिया के सारे बाहुबली प्रकार कंपनी है, करीबन 800 ऐसे कंपनी है। ये इंडिया का 70% प्रॉफिट घर ले जाते हैं। ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, इनका प्रॉफिट करीबन 500 करोड़ से ज़्यादा है, 500 करोड़ या ज़्यादा पैट। 70% हिंदुस्तान का प्रॉफिट इनसे आता है। करीबन 800 कंपनीज है, ये बाहुबली प्रकार इंडिया के रूलिंग कंपनीज है। लेकिन सबसे तीव्र गति से प्रॉफिट ग्रोथ, सबसे फास्ट प्रॉफिट ग्रोथ ये बाहुबली प्रकार कंपनी की नहीं आ रही। ये जो रूलिंग क्लास है इसके नीचे करीबन 5000 चैलेंजर कंपनीज है, राइट। ये छोटी कंपनियां हैं, इनकी प्रॉफिट 40 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में है। इनकी प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त आ रही है, लास्ट दशक में 16-17% और लास्ट 4 साल में 25-30% से ये चैलेंजर कंपनीज प्रॉफिट ग्रोथ दिखला रही है। और सौरभ मुखर्जी ने कहा कि महिलाओं की आमदनी बढ़ने के साथ ही उनकी खपत से जुड़े सेक्टर पर फोकस करने वाली कंपनियों के लिए अच्छी कमाई के मौके हो सकते हैं। सौरभ मुखर्जी के मुताबिक शहरी इलाकों में महिलाओं की नौकरी और अच्छी आमदनी का फायदा उनकी जरूरत से जुड़े सेक्टर्स को जरूर मिलेगा। वुमन की एजुकेशनल लेवल ज्यादा है और इसका नतीजा क्या हो रहा है, फैक्ट्री में हो या ऑफिस में हो, अच्छी नौकरियां आज की डेट में वुमेन को ही जा रहा है। और नतीजा इसका क्या कि आरबीआई के डेटा के मुताबिक शहरों में आज के डेट में वुमेन के बैंक अकाउंट में, महिलाओं के बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसा है मेन के मुकाबले। और इससे भी आश्चर्य की बात मेरे को जो लगी, आरबीआई का डेटा दिखलाता है कि वुमेन हैव मोर बैंक अकाउंट देन मेन, ज़्यादा बैंक अकाउंट नारियों के पास और उनके बैंक अकाउंट में पैसा भी ज़्यादा। तो ये स्टोरी मेरे ख्याल से चलती रहेगी, क्योंकि महिलाओं की एडुकेशन लेवल मेन से बेहतर है और इकोनॉमी का रुझान जिस तरफ है वो महिलाओं के पक्ष में है। महिलाओं का जो ये ऊपर चढ़ने की स्टोरी है ये बरकरार रहेगी हिंदुस्तान में कई कई सालों तक।